देवांग दो ओवर तक सैप्टीट्यूट आपको अलाउड है। दोनों ही टीमों के लिए डू ऑर डाई, दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच ये। ये सब्स्टिट्यूट कैंसिल यहाँ पर प्लेयर इन होते हुए उनके, आई थिंक जतिन है, यतिन पाटिल, साहिल पाटिल के छोटे भाई। बॉबी पहले मुकाबले में भी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन यहाँ पर लक उनका साथ नहीं दिया पहले मुकाबले में। यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार से बैटिंग रहेगी। बॉलर तैयार होते हुए देवांग पहला ओवर लेकर टीम के लिए, एक फिर की गेंदबाज हैं और पहले ही गेंद पे यहाँ पे फिरा दिया है बॉबी ने, एक जबरदस्त सा गैप। देवांग पहला ओवर सफल रहे और चार से यहाँ पर शुरुआत की है। अच्छा यहाँ पर एक कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने मिलता हुआ, फिर से एक बार बॉलर तैयार। इस वक्त यहाँ पर काफी खराब गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे, व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर यश टिकल का, 5 रन स्कोर बोर्ड पर टैप कर दिया है। वहां पर सागर चौहान है, कोई गलती नहीं करेंगे, केवल 1 रन यहाँ पर आता हुआ इस बॉल पर। नगवा बॉयज की टीम यहाँ पर टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करती हुई बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है बिल्ला पैकर्स अर्थात बिल्ला शाकिर मिर्जा की टीम को। अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए गेंदबाज, अच्छा गेंद यहाँ पर गैप में खेला है, कोई मौका नहीं इस वक्त संता के पास और एक अच्छा स्ट्रोक अनिकेत एंड संता के बीच में से निकाल दिया है 4 रनों के लिए यश तोलानी के बल्ले से। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर रिवर्स स्ट्रोक खेला है, लेकिन बेहतरीन प्रशंसा करनी पड़ेगी यहाँ पर जतिन पाटिल की, क्या स्टॉप किया है, चीते की दौड़ यहाँ पर लगा दी और बॉल को यहाँ पर इनफील्ड के अंदर रखा है, 3 रन यहाँ पर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। लास्ट बॉल आखिरी बॉल इस ओवर की, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है टोटल 11। हल्के हाथ से यहाँ पर खेल दिया है सिंगल के लिए और यस एक ओवर की समाप्ति के बाद पहले यहाँ पर बैटिंग करते हुए बिल्ला पैकर्स की टीम और रन बने हैं 12। एक ओवर 12 रन, अब बॉलिंग ट्रैक पर आए हैं ओवर नंबर 2 लेकर अंकित मिश्रा, टीम के कैप्टन है, टीम के आइकॉन खिलाड़ी है नाइकवा बॉयज के लिए। अगर हैट्रिक लेते हैं तो अखिल लांबियार इनकी तरफ से 500 रुपीज। इस वक्त पहली गेंद यहां पर व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन दबाव में थोड़ा सा यहाँ पर जरूर है अंकित मिश्रा और बैटिंग के लिए है वीरेन परमार। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर एक सिंगल के लिए फेंका है, एक सिंगल रन आता हुआ, दर्शकों की गर्दी यहाँ पर काफी। अंकित तैयार यश तोलानी के लिए, सीबीछिए गेंद यहाँ पर रिसीव करना चाहते थे, काफी अच्छी गेंद यहाँ पर देखना होगा, डायरेक्ट चांस लेना चाहते थे, सैंडी के हाथों में गेंद नहीं आई, सैंडी गेंद को यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाए, 1 रन यहाँ पर आता हुआ, इस 1 रन से स्कोर बोर्ड इजाफा, रन संख्या 15। अगर बोल्ड करते हैं तो अखिल अंबियार की तरफ से 500 रुपया। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फिर से एक बार बैड लक, आज अंकित तैयार काफी खराब बॉल यहाँ पर, व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर का आता हुआ, 2 वाइड अब तक यहाँ पर फेंक चुके हैं, स्कोर बोर्ड पर रन है 17, बॉल अब तक फेंके गए हैं अंकित के माध्यम से 3 बॉल में 5 रन खर्च करते हुए।
यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे, कवर्स के क्षेत्र में प्रॉपर बल्ले का कनेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ बैट पे, एक रन यहाँ पर मिलता हुआ, काफी दूर से स्ट्रोक को कंप्लीट करना चाहते थे। अंकित तैयार, फिर से एक बार टैप कर दिया है, वहां पर देखना होगा डायरेक्ट हिट। ओहो क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो यहाँ पर, पूरे प्रतियोगिता का सबसे बेस्ट थ्रो अब यहाँ पर देखने मिलता हुआ अनिकेत के माध्यम से। और बल्लेबाज यश तोलानी को भेजा है डगआउट में, डेंजर जोन में थे और डायरेक्ट हिट लगा और बल्लेबाज को जाना पड़ा डगआउट में। बिला पाकर सिंह को एक बड़ा धक्का लगता हुआ यश तोलानी के रूप में। हर्ष पांचाल नए बल्लेबाज बैटिंग के लिए उतरे हैं, देखना होगा किस प्रकार से बैटिंग इस मैच में करेंगे। बॉल यहां पर हो चुके हैं इस ओवर में अब तक 5, लास्ट बॉल, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है टोटल 18। अच्छी वापसी यहां पर अंकित ने कराई है अपनी टीम के लिए, एक अच्छा थ्रो अनिकेत के माध्यम से। साइक पर है बॉबी, यहां पर अच्छा फील्डिंग सागर के माध्यम से, स्लोवर गेंद थी और एक सिंगल रन, एक सिंगल के मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 19 रन, 19 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी वापसी कराई है अंकित ने, केवल 7 रन यहां पर खर्च किए हैं, दो ओवर 17, 19 रन बैटिंग करते हुए। इस वक्त बिल्ला पैकर्स की टीम थोड़ा सा दबाव में, क्योंकि उनके जो सबसे स्ट्राइकर बल्लेबाज है यश सोलानी रनआउट के रूप में डगआउट में गए हैं, लेकिन बॉबी परमार ये भी एक डेंजर विस्फोटक बल्लेबाज है। राहुल पाल नए गेंदबाज ओवर नंबर 3 लेकर अपनी टीम के लिए, स्कोरबोर्ड पर है रन 9, 19 रन है। पहले मैच में अच्छी वापसी कराई थी नाकवा बॉयज टीम के लिए, राहुल पाल ने एक इकोनॉमिकल ओवर फेंका था, केवल 5 रन खर्च किए थे वो भी आखिरी ओवर, लेकिन अब इस वक्त तीसरे ओवर में उन्हें लाया गया है। सैंडी थोड़ा सा यहाँ पर फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, राहुल पाल गेंदबाजी के तैयार, यहाँ पर बेहतरीन गेंद और सबसे स्ट्रांग जोन अर्थात गेंदबाज का ज्यादा करके पैड पर गेंदे फेंकना पसंद करते हैं, हमेशा हिट करते हैं पैड पर। और एक सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ टीम बिला पैकर्स को, एक सिंगल के मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 20 रन। हर्ष स्ट्राइक एंड पर होंगे, हर्ष पांचाल राहुल पाल तैयार गेंदबाजी के लिए, फुल टॉस बॉल थी यहाँ पर, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए, हल्के हाथ से खेला है, एक रन यहाँ पर मिलेगा। दो अच्छे दोस्त देवा पाटिल और शाकिर मिर्जा, बट आज आमने सामने मैच में काफी खराब बॉल और यहाँ पे यस अच्छा फील्डिंग वहां पर करते हुए, गलती करते हुए राहुल पाल 1+1, 2 रन आता हुआ, इस 2 रन के मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 23 रन। कुछ अलग करने की चाहत यहाँ पर थी राहुल पाल के माध्यम से, लेकिन गलती कर बैठे और टोटल रन मिलता हुआ इस बॉल पर 2। एक बड़ी पारी की अपेक्षा बिला पैकर्स टीम के सभी खिलाड़ियों को। ओहो क्या बात है, संता को लगा कि गेंद जाएगी बाहर, लेकिन बॉल अंदर इनफील्ड के और मिले 6 रन। अच्छा स्ट्रोक पंचाल के बल्ले से यहां पर, यहां पर मौका था मैं कहूंगा संता के पास, लेकिन संता को ऐसा फील हुआ कि गेंद यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा लेकिन अंदर। इस प्रकार कल अक्षय सोनी ने सिक्सेस लगाए थे 2 बेहतरीन अंदाज में, ऐसा लगा था कि सेकंड वाला तो ऐसा लगा था आउट बाहर जाएगा लेकिन अंदर ही रह गया। कल लग था जीतू पैकर्स टीम का, क्योंकि एक बॉल 8 रन चमत्कार हुआ,
अल्कियास से खेला है, वहां पर सागर चौहान है, कोई गलती नहीं करेंगे, केवल एक रन मिलता हुआ, इस एक रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ, स्कोरबोर्ड पर रन लगे हैं टोटल 30। तीसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ, दो बॉल यहां से आना बाकी, बॉबी स्ट्राइक एंड पर है इस वक्त राहुल की गेंदों के सामना करने के लिए। फुल टॉस बॉल, सीधे बल्ले से खेला है, नो चांस फॉर द फील्डर, इन टू द गैप, कड़क यहां पर शॉट लगाते हुए चार रन मुकम्मल करते हुए इस चार रन की मदद से स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 34 रन, लास्ट गो। थर्टी फोर रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, यहाँ पर देखना होगा, एक महंगा ओवर यहाँ पर साबित होता हुआ राहुल पाल का, जो राहुल पाल ने पहली मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी 5 रन, लेकिन सेकेंड मैच में अब तक काफी एक्सपेंसिव ओवर फेंकते हुए, ओहो गलती कर बैठे, मिस टाइमिंग फटका और जाना पड़ेगा बॉबी को डगआउट में। लेंगे छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे डीजे। वर्ली इस नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बैटिंग के लिए इस वक्त उतरे हैं, स्ट्राइक नॉट स्ट्राइक एंड पर है, और एक अच्छा स्ट्रोक हर्ष पंचाल के बल्ले से देखने मिला, एक सिक्सर। बॉलिंग के लिए आए हैं अनिकेत, ओवर नंबर 4 लेकर, रन संख्या यहां पर बिल्ला पैकर्स टीम की 3 ओवर के समाप्ति के बाद 34 रन है। हर्ष पंचाल बैटिंग के लिए तैयार, स्ट्राइक एंड पर खराब बॉल यहां पर, पहले ही गेंद यहां पर अनिकेत की वाइड किस से शुरुआत करते हुए एक्स्ट्रा रन यहां पर खर्च करते हुए, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर टोटल 35 रन। फिर से एक बार वाइड बॉल, लगातार दो गेंदे दो वाइड यहां पर लय से बिगड़ते हुए, लाइन और लेंथ से यहां पर बिगड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए गेंदबाज, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, यह संपार का सिग्नल क्या होगा, डेड बॉल ऑलरेडी कॉल कर दिया है, यस डेड बॉल है कि डॉट बॉल है, एग्जैक्टली यस ओके, बॉल काउंट है, यस बॉल कंसीडर है क्योंकि पॉपिंग क्रीज है, एक्शन के पहले यहाँ पर छोड़ दी थी, 4 रन जरूर जड़ा था, चौका लगा था, स्प्लिट हुई थी, लेकिन अंपायर की निगाहें जरूर प्रशंसा करने की पड़ेगी अंपायर की भी, इसे एक बार गलती कर बैठे, वाइट बॉल, हर्ष पांचाल फिर से एक बार तैयार होते हैं, यहां पर देखना होगा, एक सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है टोटल 38। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर लगाया है, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग संता के लिए के माध्यम से केवल एक रन यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग संतोष ने, हालांकि एक सिक्सर दिया था, एक खराब फील्डिंग की थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई गलती करने की चाहत नहीं, अब यहाँ पर अच्छा करते हुए नाका बॉयज टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग फिर से एक बार अनिकेत के माध्यम से, एक रन पूरा किया, वर्ली तेजी का निकल पाए, लेकिन देखना होगा अंपायर का सिग्नल, 99% यहाँ पर देखना होगा अंपायर का डिसीजन क्या होता है, क्योंकि दर्शक जो है उन्हें पता है डिसीजन क्या है, लेकिन हमारे अंपायर थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं, देखना होगा, यस नॉट आउट, क्योंकि पहले हिट हुआ था पैर, यस पहले स्टम आई थिंक हिट हुआ था पैर से, तो आपको रूल नंबर 28 आपको स्टम और बॉल को पिक करना पड़ता है, हाथ में उठाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी बेल राउंड हो चुकी थी।
यानी कि तैयार। ओहो इस वक्त यहाँ पर क्लीन बोल्ड किया है हर्ष पांचाल को, जाना पड़ेगा डगआउट में। मंदिरा तुनी पारके नी गाली घेऊन खाजा वरी पोर पोरी नाटतिली जानच ताला वरी पालकी नी गा। वरुण नए बल्लेबाज बैटिंग के लिए उतरे हैं इस वक्त, आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पारी की, लास्ट बॉल। वरुण यहाँ पर देखना होगा कितने रन इस आखिरी गेंद पर आते हैं, यहाँ पर अपेक्षा है कि कम से कम चार या फिर छह आए बिल्ला पैकर्स टीम, लेकिन नाकवा बॉयज टीम यहाँ पर चाहती है कि विकेट या फिर डॉट, डॉट या फिर विकेट। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है रोहित मोरे, वहां पर है एक रन पूरा करते दूसरे के लिए तेजी का निकल पड़े, देखना होगा बार का सिग्नल क्या है। यस नॉट आउट है, केवल एक सिंगल रन तो यहां पर कंप्लीट किया है। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 42 और 43 रनों का पीछा करने के लिए उतरेगी टीम नाकवा बॉयज। लेंगे छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे डीजे। निशामक हो तो सेने तानायक, धर्मवीर निशामक हो तो सेने तानायक, होता ठाण्या ठाण्यावाज अमका नंदी के पायब, होता ठाण्या ठाण्यावाज अमका नंदी के पायब, जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा सेठी लोकनाथ। सामने और बिल्ला पैकर्स की टीम यहाँ पर फील्डिंग लग चुकी है। बैट्समैन प्लीज, नाकवा बॉयज बैट्समैन, नाकवा बॉयज बैट्समैन भेज जाए जल्द से जल्द। नाकवा बॉयज टीम नाकवा बॉयज टीम बैट्समैन प्लीज भेजना है जल्द से जल्द। नाकवा बॉयज
माझ्या नशिबाचा वडा पाव वडा पाव